अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सफ़र किया था पेरिस से लेके म्यूनिख तक, और आज इरादा है म्यूनिख से लेके हम आगे जाएंगे क्रोशिया में, और बीच में ऑस्ट्रिया आएगा, और उसके बाद स्लोवेनिया आएगा। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक आज हम सफ़र कर सकते हैं। कमरा वगैरह मैंने आगे के लिए बुक नहीं कराया हुआ। शाम को तकरीबन 5-6 बजे के बाद मैं देखूँगा कि मैं कहाँ तक गाड़ी चला सकता हूँ, उस हिसाब से रूम की बुकिंग कर लेंगे। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं। आपने बगत देनी है? नाश्ता के लिए बगत पहले खाया खाना। क्या खाना है जाने? डोना डोनट, एक दो 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 डोनट। ओके, और ये पकड़ लो। अभी हम देखते हैं, तो वो लाना नहीं रूख होता ना। और देते हैं दो पैन सकोले, आपने खाने का ये लो, ये इसमें डाल दो। सही है, और कुछ चाहिए आपको? अच्छा, इधर यूरोप में आप चीज़ नोट करेंगे कि सर्दी हो या गर्मी हो, आपको हर किस्म का फूल फल और फ्रूट वगैरह मिलता रहता है साथ साथ। जी बेटा, नहीं हमारे पास है ना। ये देखें जी, मुख्तलिफ किस्म की अल्कोहल्स पड़ी हुई हैं, और हम यहाँ से कुछ नहीं ले रहे, बेफिक्र हैं। लेकिन असल मुझे भी एक दो चीज़ें ढूंढनी है, वो मुझे मिल नहीं रही। नहीं, ये तो दूसरे नहीं, हम ही ले सकते राइजर। क्यों? ये हलाल नहीं है। हलाल नहीं है। नोप, यहाँ से ये हलाल नहीं मिलेंगे हमें। तो वो देखते हैं कहीं से, फिर कभी जरूरत नहीं हमें। ये थोड़ा सा नाश्ता हम लोग ले आए हैं, इसमें हमने डोनट्स लिए हैं, पेंशिकोला लिए हैं, खसो लिए हैं, इन सभी हम नाश्ता करेंगे। साथ एक दो चीज़ें और ली हैं, फरमाज लिया है, और अभी नाश्ता करते हैं और जल्दी से निकलते हैं अपने रास्ते की तरफ। और साथ में ये जूस वाले पड़ा था, थोड़ा सा और ले लिया। देखें जी, हम लोग बर्गर खा रहे हैं जिसके अंदर चीज़ डली हुई है, चिप्स डाले हैं और सॉस। छोटी छोटी कॉफी होती है ना, लो छोटी छोटी गर्ल्स आपका तो बड़ी तेज
जा रही हो? डेढ़ तो मैं जा रहा हूँ। ऑस्ट्रिया में हम लोग दाखिल हो गए और यहाँ आप लोगों को विनियत चाहिए होती है, जो कि स्टिकर होता है गाड़ी पे लगता है। मैंने जिनसे कार्ने बनाया था उनसे हमने वहीं से ले लिया था, क्योंकि उन्होंने हमें थोड़ा सस्ता दिया था क्योंकि तो अभी ऑस्ट्रिया आ गए थी। आज हमने ऑस्ट्रिया क्रॉस करके जाना है स्प्लिट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपको आवाज़ अच्छी नहीं आ रही हमारी, क्योंकि हमारे पास मज़े की बात है माइक्रोफोन है नहीं और हमारा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी किस्म का व्लॉग बनाने का। नाड़ी हम लोग तो हमने कहा एक माइक खरीद लिया जाए ताकि कुछ बेहतर हो सके। अभी बाकी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ दुकान तो मिली है मुझे, देखूँ।
अभी हम ऑस्ट्रिया किसी शहर में हैं, ये हमें भी नहीं पता किधर है। तो यहाँ एक शॉप है मीडिया मार्केट के नाम से, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है कंप्यूटर वगैरह की। ये देखें जी, बड़े प्यारे बारबेक्यू पड़े हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं ये। इसकी प्राइस देखें 1499, मतलब 1500 यूरो, तकरीबन 3.25 लाख रुपए। लेकिन होते बड़े अच्छे हैं। चलें जी, विंडो शॉपिंग हम कर रहे हैं, लेकिन जिस काम से आए हैं वो करते हैं। और हम इसलिए इधर आए हैं क्योंकि मुझे चाहिए या गोप्रो या माइक्रोफोन आईफोन के लिए। अभी देखते हैं यहाँ मैं ढूंढता हूँ, मुझे मिलता है कि नहीं। देखें जी, टीवी बने हैं। अभी जो हमें चीज़ चाहिए वो नहीं मुझे मिल रही, वो देखते हैं किसकी क्वालिटी अच्छी है वहाँ से। इस टीवी का साइज़ चेक करें जी, 98 इंच सैमसंग, और कीमत है सिर्फ 7990 यूरो, तकरीबन 16 लाख रुपए। इधर आके बंदे को समझ ही ना लगे बंदे ने कोई टीवी लेना है तो कौन सा लेना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरी बेटी ने टीवी पे डंडा मार के टीवी तोड़ दिया था। तो हमने टीवी लेना था तो समझ ही नहीं लगती बंदे को कौन सा नहीं। एक जाओ तो उससे अच्छा नज़र आता है, वो लो तो उससे भी अच्छा आपको नज़र आता है। ओके जी, ये हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, हीरो गोप्रो। एक नाम हीरो 9 पड़ा हुआ है, एक हीरो 10। हीरो 10 आजकल लेटेस्ट आया हुआ है, तो इसको जाते हैं ख़रीदते हैं। क्योंकि पहले मैंने भी थोड़ी देर पहले वीडियो में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, मैंने ख़रीदा था एक माइक्रोफोन इसके लिए, आईफोन के लिए, लेकिन उसके साथ हमने जो रिकॉर्डिंग की थी बिल्कुल आवाज़ का हमें मज़ा नहीं आया। तो अभी यहाँ से लेते हैं हीरो 10, और इसके बाद चलते हैं, इसका बिल अदा करते हैं 449 यूरोस। इसमें कुछ हमें डिस्काउंट भी मिलेगा मेरे ख्याल से। और ये व्लॉगिंग के लिए मुख्तलिफ हैं, इसमें DJI के मिल रहे हैं, OM6 ये मेरे पास है, OM5 ये हमने पहले लिया था जाने से। और ये ड्रोन्स हैं, अभी ड्रोन्स का मेरा फ़िलहाल इस वक्त कोई इतना मूड नहीं है। वैसे चीज़ तो ये भी अच्छी है, छोटा सा है और छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है इसके ऊपर, और इसके साथ ही आप वीडियो बनाना शुरू हो जाएं। ये मुख्तलिफ किस्म में पड़े हैं, ये तो कोई बिल्कुल नॉर्मल से हैं।
हीरो 5 पड़ा है, ये हीरो 9 पड़ा है, और ये OSM कौन सा है, DJI Osmo Action पड़ा है। अभी यहाँ से देखते हैं हमें कौन सी एक्सेसरीज चाहिए GoPro के लिए। अच्छा, इस तरह के जो स्टोर्स हैं यहाँ से आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी। आपने फ़ोन्स लेने हैं, आपने फ्रिज लेनी है, टीवी लेनी है, वॉशिंग मशीन लेनी है, एक दुकान से सब कुछ मिल जाएगा। अभी जब हम लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं बॉर्डर विनियत स्लोवेनिया की 15
अभी जनाब हम एग्जिट हो रहे हैं मोटरवे से, क्रोशिया की जो हमने पकड़ी थी, दाखिल होते हुए और क्रोशिया में दाखिल होते हुए, और अभी हम पहुंचे हैं स्प्लिट। तो बस यहाँ से टोल प्लाजा से निकल के तो हमने जाना है, तकरीबन आधा घंटा और लगेगा हमें स्प्लिट से। हम लोग तकरीबन 35 किलोमीटर हम आ गए हैं जहाँ हमने बुकिंग कराई हुई। तो अभी मैंने मुसलसल विदाउट ब्रेक 600 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, जिसको मुझे लगे हैं ऑलमोस्ट 5 घंटे। गाड़ी भी कह रही है कि पॉज रिकमेंडेड। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं क्रोशिया के शहर ड्यूस में, और सफ़र आज हमने स्टार्ट किया था जर्मनी के शहर म्यूनिक से। उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रिया गए थे, ऑस्ट्रिया के बाद हमने स्लोवेनिया को क्रॉस किया, स्लोवेनिया के बाद क्रोशिया, और अभी हम ड्यूस में मौजूद हैं जो कि स्प्लिट से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर है। और आज टोटल ड्राइविंग जो की है 1020 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। इसके साथ ही व्लॉग का एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।